कौमी असम्बली और सैनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पी में इलेक्शन के लिए फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में कायमा कमेटी खजाना ने मनी बिल इत्तेफाक राय से मुस्तरद कर दिया। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का कहना था कि पाकिस्तान IMF के सख्त प्रोग्राम में है, हमें फंड की किल्लत और भारी खसारे का सामना है, हमारे पास मुख्तस बजट के अलावा इजाफी फंड दस्तियाब नहीं है, इजाफी फंड फराहम किए तो ये IMF प्रोग्राम से तजावुज होगा, IMF के साथ तयशुदा खसारे तक महदूद रहना चाहते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब की फंडिंग पर जवाब देना है, इलेक्शन के लिए बजट में सिर्फ 5 अरब रुपए जारी हुए। मेंबर कमेटी वर्जीज ताहिर का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन को इन हालात में पैसे नहीं दे सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आप सुन लें कि आपके लिए पैसे नहीं हैं। इलेक्शन एक वक्त में कराएं वरना छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ेगा। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन मुल्क और मईशत के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को सिर्फ पंजाब के इलेक्शन की फिक्र है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सेनेटर दिलावर अब्बास की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने के लिए मनी बिल पर गौर हुआ। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का कहना था कि IMF से डील के मुताबिक फंड महदूद हैं, पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना है, फंड देने की गुंजाइश नहीं। इजलास में बहस के बाद सेनेट की कायमा कमेटी ने भी इलेक्शन कमीशन को फंड देने का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया।